वेलकम बैक एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेस्टॉक चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टाइपिंग मास्टर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना और उसे यूज करना यहां पर सीखेंगे। आप कंप्यूटर पर जब यहां पर पहली बार काम करने जाते हैं तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप आपका होता है कि आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग आना चाहिए, तभी आप किसी ऑफिस में या आप कॉन्टेंट राइटिंग या आप ब्लॉगिंग या यूट्यूब में वीडियो एडिटिंग वगैरह सारी जो है यहाँ पर परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड पर आपके हाथ जितने अच्छे तरीके से यहाँ पर जमे होते हैं आपके काम में उतनी स्पीड और उतना परफेक्शन देखने को मिलता है। तो आप भी अपने काम में अपनी जॉब में परफेक्शन लाना चाहते हैं, स्पीड लाना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर टाइपिंग सीखना यहाँ पर बहुत जरूरी होता है। तो आपको कंप्यूटर टाइपिंग सीखने के लिए आज के इस वीडियो में एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी देंगे जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है कंप्यूटर टाइपिंग सिखा देगा। तो इसे किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरह से यूज करेंगे, सारी जानकारी जो है मैं आपको आज के इस वीडियो में यहां पर बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलंकी, आप देख रहे हैं सेस्टॉक चैनल, जहां पर आपको यूट्यूब ब्लॉगिंग मेक मनी टिप्स एजुकेशनल हेल्प टेक्निकल सपोर्ट नॉलेज समय समय पर दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं यहां पर typingmaster.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहां पर जो है आपको टाइपिंग मास्टर 11 जो इनका नया लेटेस्ट वर्जन आया है वो देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो है आप चाहे तो इसे परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फ्री वाले सॉफ्टवेयर को ही यूज करेंगे। यहाँ पर जो है आपको फ्री डाउनलोड का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, फ्री डाउनलोड वाले बटन पर करेंगे क्लिक। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको डाउनलोड नाउ का एक बटन देखने को मिलेगा और ये सॉफ्टवेयर आपके विंडो 11, 10, 8.18 और 7 में यहाँ पर जो है आराम से चल सकता है, ये यहाँ पर बताया गया है। डाउनलोड नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे पास डाउनलोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और ये डाउनलोडिंग कंप्लीट भी हो चुकी है। तो यहाँ पर डाउनलोड वाले सेक्शन में हम क्लिक करेंगे। यदि ये सेक्शन आपके कंप्यूटर पीसी में यहाँ पर नहीं दिखना है तो आपको जो है कंट्रोल के साथ प्रेस करना है जेड बटन, जिसके बाद आपके पास जो डाउनलोड का सेक्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसमें भी आप यहाँ पर टाइपिंग मास्टर 11 का जो नाम दिखाया गया है इस पर जो है डबल क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से इसे इंग्लिश ही रहने देंगे, ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ टर्म कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है अगेन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है जितने बॉक्स में यहाँ पर टिक हो सकता है सब में जो है हम यहाँ पर टिक कर लेंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, टाइपिंग मास्टर नाम रहने देंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट, और ये यहाँ पर जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। कोई बड़ी प्रोसेस जो है इंस्टॉलेशन की नहीं है, आपको जो है सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, ओपन करना है और 5 से 6 बार नेक्स्ट 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 की प्रोसेस करेंगे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। जब जैसे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यहाँ पर जो है ये टाइपिंग मास्टर डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आ भी चुका है, इसे ओपन करेंगे, यहाँ पर जो है आप अपना एक यूजर नेम दे देंगे, इसके बाद एंटर वाले बटन पर क्लिक करेंगे और अब आपको यहाँ पर चूज करना है कि आप किस तरह की टाइपिंग स्टार्ट में यहाँ पर करना चाहते हैं। स्टार्टिंग का ऑप्शन है, इस पर जो है क्लिक करते हैं और स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो है आपको बारी बारी से लेसन दिए गए है कि आपको किस बटन का यूज यहाँ पर किस तरह से करना है और स्टेप बाय स्टेप जो है आपको यहाँ पर टाइपिंग सिखाई जाती है। इनके एक एक लेसन को बारी बारी से और ध्यान से जो है आपको यहाँ पर यूज करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आप यहाँ पर टाइपिंग सही तरीके से सीख पाए। और यहाँ पर फर्स्ट लेसन का जो सेकंड चैप्टर है यहाँ से जो है आपकी टाइपिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि आपको कीबोर्ड पर फिंगर किस तरह से सेट करने हैं। ये जो फिंगर है इसे जो है आपको ए वाले बटन पर रखनी है, ये जो फिंगर है इसे आपको एस वाले बटन पर रखनी है, इस फिंगर को आपको डी वाले बटन पर रखनी है, इस फिंगर को एफ वाले बटन पर रखनी है। इसी तरह से यहाँ पर कलर वाइज फिंगर बताया गया है कि किस फिंगर को किस बटन पर आपको रखना है। यहाँ जैसे ही हम स्पेस वाले बटन को क्लिक करते हैं हमारा टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर किस फिंगर से आपको जो है किस बटन को प्रेस करना है वो भी बताया जा रहा है। इस तरह से आपको जो है यहाँ पर टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। यहाँ पर जो है जब आपका टेस्ट खत्म होता है तो यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेटी भी आपको बताई जाती है। इसी तरह से आपको इन बाकी के सभी लेसन्स को भी यहाँ पर जो है ट्राई करते जाना है और स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर टाइपिंग सीखने की जरूरत है। यहाँ पर जो है टाइमर आपका चलते रहता है, इस कितने टाइम में आप यहाँ पर किस तरह की टाइपिंग करते हैं ये भी जो है आपको यहाँ पर बताया जाता है। टाइमिंग खत्म हो जाने के बाद आपका जो है यहाँ पर रिजल्ट शो हो जाता है। इस तरह से आपको की बाय की पूरे लेसन यहाँ पर दिए गए हैं। अगेन आप नेक्स्ट लेसन पर यहाँ पर जाना चाहते हैं तो लेसन 2 वाले बटन पर क्लिक करके लेसन 2 पे जा सकते हैं। इस तरह से अलग अलग लेसन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, सभी लेसन को आप बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप
करते रहेंगे, जिसके बाद जो है आपका कंप्लीट यहां पर जो है कोर्स होता रहेगा। ये जो कंप्लीट कोर्स है ये यहां पर 1.5 घंटे से 2.5 घंटे का होता है, जिसे जो है आप यहां पर 2 से 3 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह से यहां पर जो है आपको गेम्स मिल जाते हैं, इन गेम्स को भी खेल के आप यहां पर जो है टाइपिंग सीख सकते हैं। यहां पर जो है आप A to Z बटन को प्रेस करना है। आप स्टार्ट में यहां पर जो है टाइपिंग सीख रहे हैं तो आप ये वाला गेम खेलिए, थोड़े मीडियम लेवल का गेम आपको यहां पर दिखता है और थोड़े हाई लेवल का गेम भी यहां पर दिखता है। गेम को भी आप स्टार्ट यहां पर करेंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, जो बटन आपको यहां पर जो है स्क्रीन पर दिखते रहेगा उस बटन को जो है आपको प्रेस करना होता है। इस तरह से आप जितनी स्पीड से यहां पर जो है टाइपिंग करते जाएंगे, इस गेम की स्पीड भी यहां पर जो है उतनी बढ़ती जाएगी। इस तरह से आप अपनी टाइपिंग यहाँ पर गेम खेल के भी कर सकते हैं। अन्य जो गेम है उनमें यहाँ पर जो है आपको कुछ एनिमल्स के नाम, कुछ स्पेलिंग वगैरह यहाँ पर जो है दी होती है, इन्हें जो है आपको यहाँ पर टाइप करना होता है। यहाँ पर जो है आपको टाइपिंग टेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें से आप कोई भी एक टेस्ट यहाँ पर लेकर अपना टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको पूरा लेसन दिया गया है, इस लेसन को जो है आपको एज इट इज टाइप करने की जरूरत होती है। यहां पर भी आपका टाइपिंग टेस्ट खत्म होने के बाद आपका रिजल्ट शो होता है, किस स्पीड से आपने टाइपिंग की है, किस सिक्योरिटी के साथ की है, वो आपको यहां पर बताया जाता है। अब यहां पर ये जो टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर है, ये वन ऑफ द मोस्ट ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको 100% सिक्योरिटी के साथ यहां पर टाइपिंग सिखा सकता है। इस पर यदि आप दो से तीन घंटे डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप 20-25 दिन से 1 महीने के भीतर टाइपिंग के मास्टर यहां पर बन सकते हैं। इनके सभी लेसन कुछ इस तरह से तैयार किए गए हैं, इनके सभी प्रैक्टिस सेट कुछ इस तरह से तैयार किए गए हैं, जिन्हें स्टेप बाय स्टेप यदि आप करते हैं तो आप 1 महीने के अंदर टाइपिंग के मास्टर बन सकते हैं। अब समस्या यहां पर यह है कि जो टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर है ये टोटली फ्री नहीं है, आपको 7-8 दिन का ट्रायल यहां पर जो है फ्री में मिलता है, लेकिन इसके बाद यदि आप इसका यूज करना चाहें तो यहां पर इस सॉफ्टवेयर को आपको परचेस करने की जरूरत पड़ती है और स्टूडेंट का जो पैकेज है वो 995 रुपए में लाइफ टाइम आपको यहां पर मिलता है। तो आप एक तो ऐसा कर सकते हैं कि 5-6 स्टूडेंट मिलकर आपस में यहां पर एक सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम के लिए यहां पर ले सकते हैं, या जो 7 दिन का ट्रायल आपको यहां पर मिल रहा है, इस ट्रायल वाले में आप जो है जीतोड़ प्रैक्टिस करके भी यहां पर जो है टाइपिंग सीख सकते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहां पर समझ में आ गया, तो इसके अलावा फिर मैंने टाइपिंग किस तरह से सीखी, इसके और भी जो सॉफ्टवेयर यहां पर मार्केट में अवेलेबल है उन तरह के कुछ फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको जानकारी दी है, जिन पर भी आप प्रैक्टिस करके यहां पर टाइपिंग अच्छी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में बताई गई ये जानकारी और टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किस तरह से करना है, फर्स्ट वीक के लिए जो फ्री सॉफ्टवेयर है उसे आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, और यदि आपको और इस सॉफ्टवेयर की यहां पर जरूरत है तो आप आपस में 3-4 स्टूडेंट मिलकर यहां पर जो है इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं। यदि आप सक्षम हैं तो आप खुद भी यहां पर 900-950 रुपए में इसे परचेज कर सकते हैं। ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से यूट्यूब ब्लॉगिंग मेक मनी टिप्स एजुकेशनल हेल्पफुल टेक्निकल सपोर्ट नॉलेज के लिए हमारे चैनल सेस टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।